Hey guys, welcome to Delhi Bites. We regularly post updates about various universities and their application procedures. So don't forget to press the subscribe button below to stay informed. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और बेटर नोन एज आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की पूरी प्रोसीजर क्या है। ऑल्सो इस साल आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन प्रोसीजर में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिससे काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि उनके कोर्स की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड। आईपी यूनिवर्सिटी इज बेसिकली सिचुएटेड इन द्वारका दिल्ली, बट इसके अंदर बहुत सारे अफिलियेटेड कॉलेजेस आते हैं जो कि या तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट। इसमें एडमिशन IPU CET दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होती है, जिसमें इस साल कुछ चेंजेस आए हैं। सारे कोर्सेज के लिए CET कंडक्ट नहीं होगी, कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जिनमें नेशनल लेवल टेस्ट डिटरमिन करेगी कि आपकी एडमिशन होगी या नहीं होगी। यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं, एक तरफ आईपी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जैसे कि BBA, BCA, BCom, BJMC एंड मेनी मोर। तो इनमें एडमिशन CET के थ्रू होगी। यू नीड टू फर्स्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विच इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईपी। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू नीड टू हैव पास्ड योर 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन। अब अगर हम बात करें इन कोर्सेज की, जैसे कि MBA, LLB, LLM, MCA एंड BTech की, तो ये वो 5 कोर्सेज हैं जिनके लिए इस साल से कोई भी सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं की जाएगी। इनमें NTA के थ्रू सिलेक्शन होगी, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, MBA के लिए यू नीड टू हैव सिक्योर्ड अ गुड रैंक इन CAT, LLB एंड LLM के लिए CLAT, UG एंड PG, MCA के लिए NIPSET एंड BTech के लिए JEE Mains। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि भले ही आपकी एडमिशन NTA के थ्रू होगी, बट IPU में भी आपको पहले से अप्लाई करना होगा। यू नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्टर बिफोर हैंड इन IP, फेलिंग विच यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। रजिस्टर करते वक्त बस आपको अपने पर्टिकुलर नेशनल लेवल टेस्ट की एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करनी है। आईपी की कौन सी कॉलेज आपको अलॉट की जाती है विल टोटली डिपेंड ऑन योर रैंक। आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी आपको उतने अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, सो मेक श्योर यू सिक्योर अ गुड रैंक। एक बार आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट कर दी जाए तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग फी पे करके अपनी कॉलेज सीट रिजर्व करनी होगी, जिसके बाद फिर आप और राउंड्स के लिए भी वेट कर सकते हो। आप और बेटर कॉलेजेस के लिए वेट कर सकते हो कि आपको वो भी अलॉट हो सकती है, बट अगर आपने अपनी फी पेमेंट नहीं की है काउंसलिंग की, तो आपकी पहली अलॉटमेंट भी चली जाएगी एंड योर सीट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, जो कि आपके पीछे वाले किसी कैंडिडेट को मिलेगी। अगर सारे राउंड्स के बाद आपको लगे कि आप अपने कॉलेज अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू कैन ऑल्सो डिमांड फॉर अ रिफंड ऑफ फीस विच यू हैड पेड फॉर द काउंसलिंग राउंड्स, ओनली इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने में, तो एक बार आपकी अलॉटमेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी ऑफिस में रिपोर्ट करनी होगी। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10 एंड 12 की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने रिजर्वेशन के थ्रू डाला है, आपकी रैंक कार्ड और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी। तो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अभी कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो फॉर एनी स्मॉल क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स फॉर मोर सच वीडियोज़।